हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी का कार्य पत्रक 70 करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है, और दिनांक लिखनी है, ठीक है? जिस दिन आप वर्कशीट कार्य पत्रक को करोगे। अधिगम क्षेत्र है परिवेशीय सजगता लिखना, अधिगम बिंदु है पढ़ी हुई सामग्री को समझकर उत्तर दे पाना। तो बच्चों नीचे एक विज्ञापन दे रखा है, तो बच्चों ये विज्ञापन है, आप समझ ही गए होंगे किससे संबंधित है, कोरोना से संबंधित है, जिसके कारण आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो। आपका स्कूल अभी बंद है कोरोना के कारण। तो बच्चों विज्ञापन को हमने ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? कोरोना से जीतेंगे। और यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों व बुजुर्गों को बाहर नहीं जाने दें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग अवश्य करें। इधर लिखा है बच्चों कोरोना की फुल फॉर्म बना रखें, ठीक है? को का मतलब कोई, रो का मतलब रोड पर, और ना का मतलब निकले। कोई रोड पर, कोई सड़क पर ना निकले। तो कोरोना क्या होता है? एक दूसरे से फैलता है, ठीक है? ये महामारी है जो एक आदमी से दूसरी आदमी तक पहुंचती है, इसलिए हमें किसी के साथ नजदीक की संपर्क नहीं रखना है, ठीक है? नोट है बच्चों यहाँ पर, कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करें। वॉरियर्स होता है बच्चों, ठीक है? अब बताइए, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इस विज्ञापन में किससे सावधान रहने की बात कही गई है? तो बच्चों इसका उत्तर है, इस विज्ञापन में कोरोना से सावधान रहने की बात कही गई है। प्रश्न दूसरा है, कोरोना महामारी से जीतने के लिए हमें किनका सहयोग करना चाहिए? हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी, कोरोना महामारी से जीतने के लिए हमें कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करना चाहिए, ठीक है? जिनकी ड्यूटी लगी हुई है ना कोरोना में, तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? उनका सहयोग करना चाहिए, उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? अब प्रश्न है बच्चों तीसरा, कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो बच्चों इसके लिए हमें घर पर रहना चाहिए, यानी जितना संभव हो सके घर पर रहना चाहिए। कोई बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाना चाहिए। बड़ों और बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है? किसी के ज्यादा नजदीक नहीं आना है, और मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।